the ice behind my stone cold eyes. I turned to ashes, but only Hi everyone, welcome to a new video where I am going to take you around this colonial town that is Landor. But before reaching to this lovely place, सबसे पहले हमने breakfast try किया at this view point place. हमने यहाँ पे order किया एक पनीर पराठा और एक कॉफ़ी और एक चाय और साथ में भैया ने दिया अचार और इसमें क्या है हरी चटनी. मेरे जैसे काम है चम्मच भी गिरा दिया खैर पर और हम ये ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं विद अ वेरी वेरी नाइस व्यू. बहुत ही प्यारा लग रहा है, मस्त हवा चल रही है ठंडी और वेदर बहुत ही डिसेंट है, ना बहुत चिल्ड है ना बहुत गर्मी है. और अभी यहाँ से निकलेंगे मसूरी एंड नहीं, सबसे पहले तो लैंडोर में पहुँचेंगे जो मसूरी से थोड़ा 4-5 kilometers आगे है एंड देन रिटर्न में मसूरी रुकेंगे. सो ये फिनिश करेंगे हम लोग ब्रेकफास्ट एंड देन विल मूव अहेड. तो हमारा नाश्ता हो गया, यहाँ व्यू पॉइंट काशी फूड रुके थे. अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो ज़रूर से आना. यहाँ हमने पनीर पराठा खाया, वो भी बहुत टेस्टी था और ग्रीन वाली चटनी भी बहुत मस्त थी. तो अभी आगे बढ़ते हैं मसूरी की तरफ. After the halt at the restaurant, we went to Mussoorie and 15-20 minute mein we were already in Mussoorie. But Landor pahunchne mein kaafi der lag gaya. As you see, itni choti gali hai Mussoorie mein Landor pahunchne ke liye, to time bahut lag jata hai. Two wheeler se halaki aap jaldi pahunch jate ho, but somehow we managed. तो हम फाइनली लैंडोर पहुंच गए और ये वो चौक है, चार दुकान चौक. तो एक दो शॉप्स ट्राई करेंगे यहाँ पे लैंडोर का. बहुत पुराना वाला पोस्ट ऑफिस है, लग भी नहीं रहा है वो पोस्ट ऑफिस के लिए जगह है. और गिन के चार ही दुकान है अभी भी. इस तरफ एक चर्च है. सो एक्चुअली हम प्रॉपर इनसाइड नहीं आए लैंडोर के, बट ये चार दुकान जिस तरफ है वहाँ रुके हैं. सो यहाँ पर बैंक भी है. There's a small sit-out garden area. So I'll try out things at some places. So आप इन चार दुकान में से किसी भी एक शॉप में चले जाओ, ऑलमोस्ट इनका मेन्यू सिमिलर ही है. आपको काफ़ी टिपिकल सी चीज़ें मिल जाएंगी, मार्मलेड्स मिल जाएंगे, जैम्स है, पीनट बटर है एंड उसके अलावा आपको मैगी तो चारों ही शॉप्स में मिल जाएंगी एंड आप ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर कर सकते हो. हमने ये जो शॉप पे रुके थे यहाँ पर मैगी ऑर्डर की और इसी के साथ हमने एक और बहुत टेस्टी एंड बहुत पॉपुलर डिश वहाँ ऑर्डर की, दैट वाज आर नटेला बनाना पैनकेक्स. सो दिस इज़ वन सिंगल ह्यूज पैनकेक विच इज़ एक्सट्रीमली फ्लफी एंड वेरी वेरी डिलीशियस. जेनरस अमाउंट में इन्होंने नटेला डाला हुआ था एंड दैट यू कैन अकम्पनी विद अ मेपल सिरप दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल देयर. सो या वी ट्राइड दीज टू थिंग्स और फिर हम वहाँ से तो वो चार दुकान क्रॉस कर लिया हमने. आगे में लाल तिब्बा था, वहाँ पर बहुत भीड़ थी इसलिए हम रुके नहीं, सीधा आगे आए इस तरफ एंड अभी हम जा रहे हैं लैंडोर बेक हाउस की तरफ. भैया ने यहाँ पे गाड़ी ड्रॉप कर दी है, यहाँ से आगे पैदल निकलना पड़ेगा. बाय द वे वैसे अगर लैंडोर का वेदर देखे ना तो बहुत ही प्यारा है, मतलब लाइक ठंडी हवा चल रही है, मस्त वेदर है. अब यहाँ से चलते हुए जाना है क्योंकि टैक्सीज प्राइवेट अलाउड नहीं है, सिर्फ स्टे वगैरह के लिए अगर कोई जाता है तो वो जा सकते हैं. तो ये आ गए लैंडोर बेक हाउस. सब लेफ्ट साइड में नीचे जाते हुए आपको ये आ जाएगा, कहीं ऊपर नहीं जाना है, राइट नहीं लेफ्ट नहीं कुछ नहीं, सिर्फ सीधा स्लोप से नीचे लेफ्ट साइड होते हुए नीचे. लॉजिक
So as you step into Landor Bakehouse, it smells amazing of all the bakery items, which includes the desserts as well as the savory. तो इनके यहाँ पे कैरेट केक काफ़ी पॉपुलर है, बट रिसेंटली आई हैड ट्राइड कैरेट केक, सो आई गिव इट अ स्किप. एंड देन यू कैन ट्राई सम मफिन्स हियर, क्रोसॉ, एंड लार्जली द सेवरी स्टफ एंड स्वीट स्टफ इज वेरी पॉपुलर हियर, बट आई गॉट दिस कोल्ड कॉफी फॉर माई सेल्फ एंड द चॉकलेट केक. नाउ क्वाइट डिफरेंट थिंग वॉज कि ये चॉकलेट केक में इलायची का भी टेस्ट आ रहा था, सो आई डोंट नो इफ इट विल गो विथ योर पैलेट, बट या इट्स क्वाइट पॉपुलर हियर. एंड देन यू कैन बाय सम कुकीज ओवर हियर. विथ दैट वी एंडेड आवर डे इन लैंडोर एंड हेडेड अहेड टू मसूरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.